भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 478 बताता है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। सीआरपीसी का सेक्शन 436 में चीज मेंशन था, ये कहता है किन सिचुएशन में बेल मिल सकता है। एक्यूज को बेल दे दिया गया, रिहा हो गया, आजाद हो गया, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जहां पर बेल देने के बाद वापस विड्रॉ भी कर लिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है कि वो फर्दर बेल पर रिलीज नहीं हो सकता है। किन सिचुएशन में, अगर एक्यूज्ड एब्सकॉन्ड करने की तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अगर भागने की कोशिश कर रहा है, देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है, या कोर्ट का जो ज्यूरिस्डिक्शन है, कोर्ट ने मना किया है कि इस टेरिटरी के बाहर नहीं जाना है, ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जाना है, तो वो कोशिश कर रहा है या भाग रहा है एब्सकॉन्ड करने के लिए, फरार होने के लिए, भागने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में बेल को विड्रॉ कर लिया जा सकता है। अगला सिचुएशन, अगर जो एक्यूज्ड है वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस को डराता है, धमकाता है, उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसा देता है, घुसखोरी करता है, कहता है इतना पैसा ले लो, कुछ बोलना नहीं, या जो एविडेंस है एविडेंस के साथ छेड़खानी करता है, उसको बदलने की कोशिश करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो इन सिचुएशन में जो बेल ग्रांट किया गया है एक्यूज्ड को, उस बेल को विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है,